बात दीजिएगा, मैंने कहने की कोशिश की है। और मैं किसी पार्टी के लिए नहीं लिखता, मैं अपने देश के लिए लिखता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कहता हूं, जो देश हित में होता है कहता हूं। सरकारों की कभी चरण वंदना नहीं की, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। दरबारों में कभी खड़े होकर मैंने काव्य पाठ नहीं किया, सरकार चाहे जिसकी रही हो। मेरे पास एक भी सरकारी पुरस्कार नहीं है, जनता के दिए हुए इतने पुरस्कार हैं कि बेड में जगह नहीं है, अलमारियों में जगह नहीं है। मैंने बोरियों में पुरस्कार बंद कर रखे हैं, इतने पुरस्कार हैं मेरे पास, लेकिन एक भी सरकारी पुरस्कार मेरे घर में प्रवेश नहीं किया है। मैं समझूंगा जिस दिन सरकार मुझे कोई पुरस्कार देने की कोशिश करेगी, मैं समझ लूंगा कि मेरी कविता लिखने की ताकत में कोई कमी आ रही है, मेरे प्रहार करने की मारक क्षमता में कोई कमी आ रही है। मैं एक पंक्ति कहने जा रहा हूं जो कहने में लोग जवाने लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि एक आंधी के जब आंधी चल रही हो तब पैर जमा कर खड़े होना बहुत कठिन हो जाता है। मैं दो लाइनें कहने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सारे लोग मेरे समर्थन करिएगा जिससे मैं सच बात कहता रहूं। आशीर्वाद दीजिएगा, कहने की कोशिश कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। और दिल्ली की गद्दी से दो पंक्तियों में बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा कि वाणी के शब्दों, अब इसको पूरे हौसले से सुन लेना, एक ऐसा लगे कि अब कवि सम्मेलन तो अब शुरू हुआ है, ऐसा मुझे महसूस हो, ऐसा लगे कि अब जिंदा लोगों में बात हो रही है। मैंने कहने की कोशिश की है कि वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में। वाणी के शब्दों को, कवि का काम है सांकल को खटखटाते रहना, कवि का काम है जगाते रहो जागते रहो की आवाज लगाते रहना, कवि का काम है जिनके घर आईना नहीं होता उनको अपना पता नहीं होता। इसलिए दो इन्हें कहना चाहता हूं कि वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में। फूल चढ़ाने चले न जाना फिर जिन्ना के चरणों में, फूल चढ़ाने चले न जाना फिर जिन्ना। वाह, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, वाणी के शब्दों को शामिल कर लेना आचरणों में, फूल चढ़ाने चले न जाना फिर जिन्ना के चरणों में, वरना गायब हो जाओगे मोटी मोटी खबरों से, वरना गायब हो जाओगे मोटी मोटी खबरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से। और जो अगली पंक्तियां हैं उससे मैं चाहूंगा मंच भी मुझे आशीर्वाद देगा कि एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना। मिले दो। और अगली पंक्ति पर जितनी ताली अब तक आपने कवि सम्मेलन में न बजाई हो वैसी बजाकर मुझे विदाई की ताली देना। मैं ऐसी बात कहने के हिम्मत कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कहना चाहता हूं कि एक मिनट में गिर जाओगे, पूरे लोग जो लोग थोड़ा तिरछे बैठ गए उनसे मेरा थोड़ा जमकर बैठ जाइए, अपना सीना चौड़ा करके बैठ जाइए। एक ऐसी बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, एक मिनट में गिर जाओगे एक अरब की नजरों से, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, और चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जर देना, चीन के गोरे माता का जोरदार जयकारा लगाइएगा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। कि वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, वक्त मिले तो तिब्बत की आंखों के आंसू पढ़ लेना, चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जड़ देना, चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जड़ देना, चीन के गोरे, और इससे भी अच्छी बात कहने जा रहा हूं कि चीन के गोरे गालों पर कुछ कड़े तमाचे जड़ देना, सावधान रहना शरीफ की टेढ़ी मेढ़ी चालों से, सावधान रहना शरीफ की, और उससे अच्छी अब बात कहने जा रहा हूं कि सावधान रहना शरीफ की टेढ़ी मेढ़ी
मेढ़ी चालों से सावधान रहना शरीफ की टेढ़ी मेढ़ी चालों से, उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से, उससे भी ज्यादा खतरा, उससे भी ज्यादा खतरा है। वाह उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से, उससे भी ज्यादा खतरा है घर के देश दलालों से। गोली गोला तोप तमंचों से सेना भरपूर रहे, गोली गोला तोप तमंचों से सेना भरपूर रहे। लादेनों के लश्कर अपनी सीमाओं से दूर रहे, लादेनों के लश्कर अपनी सीमाओं से दूर रहे, लादेनों के लश्कर अपनी सीमाओं से दूर रहे। और एक बात कहने जा रहा हूं, कहना कुछ चाह रहा हूं, अर्थ कुछ निकलेगा, बात ऐसी कहनी चाहिए जो कबीर की वाणी में हो, तब दो बात कहे कहूंगा कुछ समझिएगा कुछ, ऐसी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि लादेनों के लश्कर अपनी सीमाओं से दूर रहे, लादेनों के लश्कर अपनी सीमाओं से दूर रहे। चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए, आप मुझे ऐसी ताली देना, 1000 किलोमीटर से चलकर आया हूं, मेरी थकान दूर हो जाए, मेरा रोम रोम टूट गया था चलते चलते, मेरी थकान दूर कर देना। अब मैं आपको प्रशंसा की नहीं आशीर्वाद की ताली आपसे मांगना चाहता हूं, एक ऐसी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं जिसके कारण दिल्ली की गद्दी बनी है, जिसके कारण दिल्ली की सरकार बनाई है। हमने सड़कें बनाने के लिए दिल्ली की सरकार नहीं बनाई है, हमने हवाई जहाज उड़ाने के लिए दिल्ली की सरकार नहीं बनाई है, यह भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दो लाइन कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए, चावल चीनी महंगी कर दो गेहूं सोना हो जाए। महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोना हो जाए, महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोना हो जाए। अब 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं, महंगाई के बोझ से चाहे देह तिकोना हो जाए। सिंहासन की भेंट चढ़े तो हंसकर उसे चढ़ा देना, सिंहासन की भेंट चढ़े तो हंसकर उसे चढ़ा देना। अवधपुरी में श्री राम का मंदिर भव्य बना देना, अवधपुरी में। दादा दादा ऐसे नहीं दादा, तालियां बजा दे 5 मिनट तक, अभी तो बहुत सुनना है, अभी तो कहां, अभी तो बाकी कहां है। एक ही राउंड में एक बार सुनना चाहते हैं, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, नक्शा नया बनाना होगा फिर से। कक्षा पहले एक राउंड में जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे, ऐसा लगता पांचाली के केश खुले रह जाएंगे। दसी तोड़ कर आ जाइए, इसमें क्या दिक्कत है, देशभक्ति के लिए तो वे दाम मिल जाएंगे। अब भावना का रस प्रेम पथ पे बढ़ा दिया तो प्रेमिका के नैन अभी राम मिल जाएंगे, प्रेमिका के नैन अभी राम मिल जाएंगे। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो राम बुद्ध और घन श्याम मिल जाएंगे। अब भारती की आरती करोगे यदि बार बार, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे, एक बार में ही चारों धाम मिल जाएंगे। और एक पंक्ति की जिस भावना से आपने ये कवि सम्मेलन किया है, ऐसी वरदानियां त्रिभूमि को प्रणाम है। देश वो टूटा कि जिस पर बैठता इतिहास का पहरा नहीं है, मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से देश नहीं बनता है। मैं पहली ही पंक्ति आप उठा लेंगे तो पूरी कविता उठा लेंगे कि देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है मिट्टी गिट्टी ईंट मकानों से, देश नहीं बनता है। माता मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदानों से, माता मस्तक। जो हो भारत माता की, भारत माता की।
जाने और इतना श्रेष्ठ कार्यक्रम कराया है, मैं सही हूँ तो मेरा रोम रोम पुलकित है और मैं चाहता हूँ कि संजय भैया और मैं तो सब बात कर लो हौसला दीजिए मुझ में मान ले अपना जन्म आप निश्चित रूप से मेरा भाई है, ये हमारा परिवार बैठा हुआ है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है क्योंकि साधु संतों में तो अपने मोक्ष की कामना होती है और इनके तो अपने मोक्ष की ही कामना नहीं है, ये तो इस देश को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपने भारत माता को सुंदर बनाना चाहते हैं। साधु संत तो शंकर पार्वती